प्रॉब्लम दिया हुआ है द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवेन बाय द इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है कि इसका डोमेन क्या हुआ। तो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द पावर x लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस 2 टू टू द पावर y इक्वल टू लॉग बेस 2 2 माइनस 2 टू द पावर x। तो लॉग फंक्शन तभी हम डिफाइंड होता है जब क्या होना चाहिए, 2 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब ये जो पावर में लिखी हुई वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो 2 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी x की वैल्यू। तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू नंबर लाइन पे 1 से छोटी होगी, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक। तो हम लोग देखेंगे कि जो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से छोटा होगा, लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4।